हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ प्लस वन की फिजिक्स को लेकर के। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे विमाई, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था विमाई, ठीक है। और अपने कुछ एक विमाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे आप लोगों ने जो बेसिक विमाएँ थी MLT विमीय सूत्र होता है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं इन सभी को और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो कुछ एक विमाएँ अपने पढ़ चुके थे, उनमें से कोई एक विमा लेते हैं, जैसे अपने बल की विमा ले लेते हैं। बल की विमा आपने लिखी थी M1 L1 T माइनस का 2, ठीक है। ये अपने बल की विमा देखी थी। और इसके अंदर अगर अपने त्वरण की विमा देखनी हो, त्वरण की आपको पता है बल और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर सिर्फ द्रव्यमान का फर्क होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण अपने बल के इक्वल लिखते हैं, तो उसमें क्या नहीं आता है, उसमें M1 नहीं आता है। यानी इसकी विमा सिर्फ कितनी थी, ये थी। ये किसकी विमा थी, त्वरण की विमा थी। तो ये अपने बल की और त्वरण की विमाएँ हैं। अपने दूरी वाली विमा की बात कर ली थी, लंबाई की विमा की बात कर ली थी। अगर किसी जगह पर सिर्फ द्रव्यमान हो, जैसे किसी जगह पर आपको सिर्फ द्रव्यमान दिया हुआ हो, तो उस जगह अपने विमा सिर्फ क्या लिखते हैं, M1 लिखते हैं, बाकी दोनों को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। यानी द्रव्यमान अगर कहीं पर दिया हो तो उसकी विमा सिर्फ क्या लिखते हैं, M1 लिखते हैं। और समय अगर आपको कहीं पर दिया हुआ हो तो अपने सिर्फ क्या लिखते हैं, T1 लिखते हैं। तो ये अपने कुछ एक बेसिक विमाएँ थी। अब वैसे तो अपने मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो अपना टॉपिक है विमाएँ, ये कभी ख़त्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे, आप बहुत सारी विमाएँ जो है उनके बारे में पढ़ोगे। पर कुछ एक विमाओं की बात अपने और कर लेते हैं। एक तो अपने बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, जो अपने सबसे ज़्यादा अभी काम में आ सकती है वो है क्षेत्रफल की विमा। एक अपनी बात कर लेते हैं आयतन की विमा। आपको पता है कि क्षेत्रफल अपने जब भी लिखते हैं, जब भी अपने क्या करते हैं, क्षेत्रफल लिखते हैं, तो अपने जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, तो अपने क्या लिखना होता है वहाँ पर, लंबाई जो है उसको दो बार लिखना होता है। यानी क्षेत्रफल जो होता है इसका मात्रक जब आप लोग लिखते हो तो क्या लिखते हो, इसका मात्रक आप लोग लिखते हो मीटर स्क्वेयर, और आयतन का मात्रक जब आप लोग लिखते हो ये लिखते हो आप लोग मीटर क्यूब। तो ये आपका क्षेत्रफल और आयतन का मात्रक होता है। तो क्षेत्रफल को अपने क्या लिख देते हैं, मीटर स्क्वेयर लिख देते हैं, यानी मीटर जो है उसको अपने दो बार काम में लेते हैं। तो जब अपने इसकी विमा लिखनी हो तो अपने लिखेंगे M0 L2 और T0, यानी अपने इसे कितनी बार लिख दिया है, दो बार लिख दिया है। इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल की विमा आपको करनी हो, आप लोग क्या लिखोगे, M0 L3 और T0। यानी जब अपने क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अपने लंबाई की जो विमा है इसे कितनी बार काम में लेते हैं, तीन बार काम में लेते हैं। तो लंबाई की विमा अगर तीन बार काम में ली जाए, यानी मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं अपने, अगर दो बार की बात की जाए तो अपने L2 की बात कर रहे हैं। इस प्रकार अपने क्षेत्रफल की, आयतन की और सीधी लंबाई वगैरह की मैंने आपको बताई दी थी कि L की पावर अपने क्या लिख देते हैं। यदि आपको लंबाई की, दूरी की, विस्थापन की, चौड़ाई की, ऊंचाई की विमाएँ लिखनी हो तो आप लोग सिर्फ क्या लिख देते हो, उस जगह L1 लिख देते हो। तो इस प्रकार अपने कुछ एक विमाओं की बात और की है। अगर आप आगे बात करो, जैसे शुरुआत के जो चैप्टर है उनमें तो बल, त्वरण, वेग, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, बस इसके आसपास ही विमाएँ रहेगी। पर उससे आगे जब अपने बढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कार्य के बारे में, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ऊर्जा के बारे में, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा शक्ति के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा दाब के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, उसकी विमा त्वरण के बराबर लिख देंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी के बारे में, और इसके अलावा आप लोगों को प्रतिबल, विकृति, स्टीफन नियतांक, प्लांक नियतांक, ऐसी बहुत सारी विमाएँ आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। अपने कुछ एक विमाओं की बात कर लेते हैं जो अभी आपके ज़रूरी है। तो शुरुआत के जो चैप्टर आप पढ़ोगे उनमें कुछ एक विमाओं की जरूरत पड़ेगी। ये जो तीनों विमाएँ हैं, हालांकि इन विमाओं को आप लोग जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो उनमें एक एक करके पढ़ लोगे, पर अभी कुछ एक विमाएँ बता देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सको इन विमाओं की। तो अपने बात कर लेते हैं, बल्कि तो अपने बात कर चुके हैं। अगर आप लोग कार्य की बात करो, किसकी बात करो, कार्य की बात करो,
देखो विमा जब अपने लिखते हैं ना तो मातृकों की पद्धति से अपने कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो अपने कार्य की अगर बात करें तो कार्य का अपने सूत्र क्या लिखते हैं, कार्य का सूत्र अपने लिखते हैं बल गुणा विस्थापन, यानी बल और विस्थापन जो है इनका अपने क्या करते हैं, गुणा करते हैं, बल गुणा विस्थापन, इसे अपने क्या लिखते हैं, कार्य लिखते हैं। बल की विमा आप लोग लिख चुके हो, ये देखो बल की विमा, इसे बस याद कर लेना, बल की विमा को याद कर लेना, लगभग आप इसके आसपास की विमाएं जो है वो निकाल लोगे। तो बल गुणा विस्थापन करना है, बल की विमा क्या लिखते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू लिखते हैं, और विस्थापन की विमा आप सभी को पता है सिर्फ एल वन आती है, क्या आती है, सिर्फ एल वन आती है। विस्थापन और दूरी और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इन सभी की विमा क्या होती है, एल वन होती है, यानी अपने लंबाई का जो मात्रक उसे कितनी बार काम में लेते हैं, एक बार काम में लेते हैं। तो ये जो विमा आप लोग लिखोगे क्या आएगी, ये आएगी एम वन एल टू और टी माइनस का टू, ठीक है। यानी जो अपने विमा लिख रहे हैं एम वन, ये तो पूरी बात कर लेते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू, ये तो किसकी विमा है, ये तो बल की विमा है, एम वन एल वन और टी माइनस टू, और विस्थापन की सिर्फ अपने क्या लिख दी, एल वन लिख दी। तो अब अपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वन अपनी जगह आएगा एल इंटू एल, एल की पावर कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, और टी की पावर कितनी है, माइनस का टू है। तो ये अपने इस प्रकार से किसकी विमा है, ये अपने कार्य की विमा है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि बाद में आप डिटेल से पढ़ लोगे इन सबको कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है। तो अपने कार्य या ऊर्जा की जब बात करते हैं तो इनकी विमा जब अपने लिखते हैं वो सेम लिखते हैं, और इनका मात्रक भी अपने क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। क्योंकि अपने कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ही अपने क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो अपने जो कार्य करते हैं उस कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कि कोई कितना कार्य कर सकता है उसके आधार पर अपने बताते हैं कि उसमें कितनी ऊर्जा है। तो ये जो अपने विमा लिखी है कार्य की, बिल्कुल यही विमा किसकी लिख देंगे, ऊर्जा की लिख देंगे, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एम वन और एल टू और टी माइनस का टू, ठीक है। जो अपने ये विमा लिखी है एम वन एल टू टी माइनस का टू, ये किसकी विमा आ जाएगी अपने पास में, ये कार्य की विमा आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, अपने शक्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। बस एक टर्म आगे बढ़ेगी और शक्ति की विमा निकल आएगी। तो शक्ति की बात करें अगर, तो कार्य करने की दर को अपने क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी जो अपने कार्य करते हैं उस कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कार्य बटा समय जो अपने लिखते हैं तो किसका फॉर्मूला बनता है, वो शक्ति का फॉर्मूला बनता है। तो कार्य आपके दे रखा है, ये रहा एम वन एल टू टी माइनस का टू, और समय जो देखें अपने तो क्या आएगा, टी वन आएगा। और टी वन जो लिखा हुआ है इसे अगर आप लोग ऊपर लेकर के जाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, पहले तो इसी लिख देता हूँ, एम वन एल टू टी माइनस का टू, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा टी माइनस का वन, ठीक है। और इन्हें जब आप एक साथ लिखोगे ये बनेगा एम वन एल टू टी माइनस का थ्री, ठीक है। ये किसकी विमा हो जाती है अपने पास में, ये शक्ति की विमा हो जाती है, एम वन एल टू टी माइनस का थ्री, ठीक है। एक बार फिर से सभी को बता देता हूँ, बल की विमा क्या लिखी, एम वन एल वन और टी माइनस टू लिखी, ठीक है। अपने को किसकी लिखनी है, कार्य की लिखनी है। कार्य की लिखेंगे तो बल गुणा विस्थापन, यानी विस्थापन एक टर्म और बढ़ रही है तो एल की जगह क्या, वन की जगह क्या आ जाएगी, एल वन की जगह एल टू आ जाएगा। देखते हैं, ये देखो एल की जगह क्या आ गया, यहाँ और यहाँ, यहाँ वन लिखा और यहाँ क्या आ गया, एल टू आ गया। तो हालांकि विमा तो ये वही बनती है एम वन एल वन टी माइनस टू, पर साथ में और क्या आ जाएगी, एल की पावर एक अधिक आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी, एम वन एल टू टी माइनस का टू, ठीक है। अब अपने जब बात कर लेते हैं शक्ति की, तो शक्ति का जब सूत्र लिखते हैं तो कार्य या ऊर्जा का जो सूत्र होता है उसमें किसका भाग लगा देते हैं, समय का भाग लगा देते हैं। तो ये आपके पास में सूत्र है, तो जब भाग में जो टर्म आ रही है वो जब ऊपर आएगी तो जो माइनस वाली पावर उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो यहाँ देख लो, ये बना एम वन एल टू टी माइनस का थ्री, ये किसकी विमा आ गई, शक्ति की विमा आ गई, ठीक है। कुछ एक विमाओं की अगर आप लोग और बात करो, जैसे अगर आप दाब की बात करना चाहो कि दाब की विमा आपने क्या लिखे, तो दाब की विमा चलो ये लिख देता हूँ, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। देखो आपको विमाएं रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ते जाओगे विमाएं अपने आप याद हो जाएगी, आपकी फॉर्मूले वगैरह पता लग जाएगा आपको। तो टेबल को रटने मत लग जाना कि इसकी विमा ये होती है, इसकी ये होती है, बस फॉर्मूले याद रखना और विमा अपने आप निकल जाएगी। तो बल बटा क्षेत्रफल, अब देखो अगर आपको बोला जाए कि दाब की विमा याद करो, आपके पास में
फॉर्मूला है बल बटा क्षेत्रफल, तो आप आराम से लिख देते हो, ये देखो ये बल है और ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। यानी बल बटा क्षेत्रफल जब आप लोग करोगे, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ये एल की पावर वन है और भाग किसका लग रहा है, एल की पावर टू का, ऊपर जाएगा क्या बनेगा, एल की पावर माइनस वन बनेगी, ठीक है। तो मैं इसी जगह लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, आपने क्या लिखा हुआ है, एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू, ये किसकी विमा है, ये बल की विमा है, और अपॉन में किसकी विमा लिख दो, क्षेत्रफल की लिख दो। तो अब जो विमा आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी एम वन एल माइनस का वन और टी माइनस का टू, ठीक है। क्या आएगा, एम वन ये ऊपर जाएगा, एल की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस टू होगी, और एक पावर प्लस की है तो कितनी बचेगी, एल की पावर माइनस वन, तो ये बनेगा एम वन एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। ये किसकी विमा है आपके पास में, ये दाब की विमा है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग कुछ एक विमाएं और निकाल सकते हो, जैसे अपने प्रतिबल की बात करें, जैसे अपने प्रतिबल की बात करें, अगर अपने प्रतिबल की बात करें, हालांकि प्रतिबल जो है, प्रतिबल विकृति प्रत्यास्थता गुणांक, ये टर्म आप लोग आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, जब आप प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। अगर अभी आप लोग देखना चाहते हो तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, लगने वाला बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल बटा क्षेत्रफल अपने इसका सूत्र लिखे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये बल है और ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये विमा जो आई है बिल्कुल वही विमा किसकी आ जाएगी, प्रतिबल की आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ भी अपने क्या लिखेंगे, बल बटा क्षेत्रफल। तो अपने लिखते हैं बल बटा क्षेत्रफल, देखो एम वन एल वन टी माइनस का टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल की पावर टू। इसे जब सोल्व करोगे ये बनेगा एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ठीक है। ये जो विमा आपने दाब की लिखी है बिल्कुल यही विमा किसकी आ गई, ये देखो एम वन वहाँ भी क्या है, L1 L की पावर माइनस वन, यहाँ भी क्या है, L की पावर माइनस वन, यहाँ T की पावर माइनस टू है और यहाँ भी T की पावर माइनस टू है। विकृति की बात कर लेते हैं, विकृति की विमा की, हालांकि विकृति को भी आप लोग नहीं जानते, ये भी आप प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में ही पढ़ोगे। तो विकृति का मतलब होता है कि अपने किसी वस्तु के आकार में या विन्यास में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन बटा प्रारंभिक उसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, विकृति के होता है। तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक भाग, ठीक है, भी आकार में जो परिवर्तन हुआ है वो, और अपोन में क्या कर देते हैं, जो प्रारंभ में था। जैसे अपने लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, लंबाई में परिवर्तन, और भाग में क्या आ जाएगा, प्रारंभिक लंबाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, मतलब आयतन बटा आयतन, क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, लंबाई बटा लंबाई, ठीक है। एक समान टर्म आ रही है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, कोई विमा नहीं होगी, मतलब ये किस प्रकार की राशि है, विमाहीन राशि है, ठीक है। किस प्रकार की राशि है, ये विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, ठीक है। विकृति इसलिए बता दिया कि आपको पता लगे विमाहीन राशि भी होती है कोई, तो इस प्रकार की जो राशि है वो क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। अर्धवार्षिक में एक दो बार पूछा गया है कि किसी विमाहीन राशि का नाम लिखे, तो आप लोग वहाँ पर विकृति लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा प्रत्यास्थता प्रत्यानयन बल की बात कर लेते हैं, चलो तो उन सब की बात अपने बाद में कर लेंगे जो उस चैप्टर को पढ़ेंगे। हालांकि अगर आप लोग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करना चाहो, प्रत्यास्थता गुणांक की, तो बिल्कुल इसके जैसी उसकी विमा आ जाती है, प्रतिबल बटा विकृति उसका सूत्र होता है, तो इसकी तो कोई विमा है नहीं। ये जो अपने विमा लिखी है ये किसकी आ जाती है, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आ जाती है, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक की बात करूँ, प्रत्यास्थता गुणांक बिल्कुल यही विमा आ जाती है उसकी, एम वन एल माइनस वन टी माइनस का टू, ठीक है। ये किसकी विमा है, अपने प्रत्यास्थता गुणांक की है। प्रत्यास्थता गुणांक, विकृति, प्रतिबल, ये सभी आप एक चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, जो प्रत्यास्थता का जो चैप्टर है उसके अंदर। तो ये देखो प्रतिबल की विमा m1 l-1 t-2, और प्रत्यास्थता गुणांक की m1 l-1 t-2, दाब की विमा m1 l-1 और t- का 2। यहाँ से आप ये सोच सकते हो कि क्या दो या दो से अधिक राशियों की विमाएं एक जैसी हो सकती है, बिल्कुल ये देख सकते हो आप लोग, इन तीनों की विमाएं क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो विमा एक जैसी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जब अपने इसकी बात करें कि विमा एक जैसी हो सकती है क्या,
एक दो राशि और बात कर लेते हैं जिनकी बीमाएं क्या होती है, एक समान होती है, जैसे संवेग की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ से एक दो बातें और भी आपको जानने को मिलेगी। अगर अपने संवेग की बात करें तो संवेग का जो आप लोग सूत्र लिखते हो तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। जी हाँ, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये वही संवेग है जो आप लोगों ने न्यूटन की गति के दूसरे नियम में कभी पढ़ा होगा। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी वेग को यदि आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो टर्म आती है उस टर्म को आप लोग क्या बोलोगे, संवेग बोलोगे। यानी संवेग की जब आप लोग बात करोगे तो वेग के साथ साथ वस्तु का द्रव्यमान भी अपने देखेंगे। तो संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ठीक है, अगर संवेग की विमा की बात करें, पहले तो संवेग को अपने पी से लिखते हैं, पी से और स्मॉल पी से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दाब वगैरह जो होता है उसको भी, जैसे ये दाब है इसको भी अपने किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, सिंबल है बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एम इंटू वी इसका क्या है, सूत्र है। तो अब देखो इसका जब आप लोग संवेग का सूत्र लिख चुके हो तो संवेग की जो विमा लिखोगे क्या लिखोगे, क्या द्रव्यमान इसमें काम में आया है, बिल्कुल आया है, कितनी बार आया है, एक बार आया है। क्या लंबाई इसमें काम में आई है, बिल्कुल आई है, एक बार आई है। समय बिल्कुल इसमें काम में आया है पर बाग के अंदर काम में आया, क्यों आया, क्योंकि ये जो वेग है इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, विस्थापन बटे समय लिख सकते हो। विस्थापन बटे समय लिखोगे तो देखो द्रव्यमान कितनी बार काम में आया, एक बार काम में आया, लंबाई कितनी बार काम में, एक बार काम में, समय कितनी बार काम में आया, एक बार काम में आया, पर बाग के अंदर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, माइनस का वन लिखना पड़ेगा। तो ये किसकी विमा आ गई अपने पास में, संवेग की विमा आ गई। कुछ बातें और बताता हूँ आपको यहाँ से, आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा है, या लिख देता हूँ, संवेग की विमा लिखी आपने m1 l1 t- का 1। ठीक है, अब देखो कि एक तो दो या दो से अधिक राशियों की जो विमाएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हो सकती है, इसके अलावा कुछ एक बातें और भी है, जैसे कौन से फॉर्मूले से, जैसे आप लोग जानते होंगे कि कुछ एक राशि ऐसी होती है जिनके फॉर्मूले आपके पास में दो या दो से अधिक होते हैं, तो कौन से फॉर्मूले से विमा निकाली जाए। आप किसी भी फॉर्मूले से विमा निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूले से आप लोग मात्रक निकाल सकते हो। आपको उस फॉर्मूले से विमा या मात्रक लिखनी चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। ठीक है, उसके अंदर जो टर्म आ रही है उन सब की विमाएं आपको आनी जरूरी है, तो उस सूत्र से आप लोग क्या कर सकते हो, विमा निकाल सकते हो। तो ये आपने इसकी विमा निकाली है। आप लोग जानते हो जब न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखते हो तो आप लोग लिखते हो संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो लगने वाले बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। हालांकि नियम कुछ ऐसे लिखते हैं अपने, एफ डी पी बटा डी टी समानुपाती होता है, समानुपाती हटाते हैं अपने, लिखते हैं के डी पी बटा डी टी और फिर लिखते हैं के, यहाँ पर एक नियतांक है, के का मान एक होता है, तो एफ इक्वल डी पी बटा डी टी। ठीक है, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम अपने लिखते हैं। पर अभी अपने सिर्फ विमा की बात करनी है तो अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका मान अल्प है, ज़्यादा है, कम है, अधिक है, अपने को सिर्फ विमा की बात करनी है। तो F इक्वल आप क्या लिखते हो, P अपॉन T लिखते हो, यानी P आप क्या लिख सकते हो, F इंटू T लिख सकते हो। अगर आप इसे F इंटू T लिखो तो देखो बल की विमा कितनी होती है, अभी मैंने बताई थी M1 L1 T माइनस का 2, M1 L1 T माइनस का 2 होती है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है। सोल्व करो इसे, ये आएगा M1 L1 T, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 बचा। ये देखो M1 L1 T माइनस का 1, M1 L1 T माइनस का 1, मतलब ये हुआ कि आप किसी भी फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, ये विमाएं निकाल सकते हो। विमा जो है वो हमेशा क्या आएगी, बिल्कुल समान आएगी। अगर एक राशि के आपके पास में दो या दो से अधिक फॉर्मूले है तो आप जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ वहाँ से आप लोग क्या कर लो, विमा निकाल लो। जैसे अगर आप इसकी विमा याद कर चुके हो तो इसे समय से मल्टीप्लाई कर दो, यानी समय वाली एक टर्म कम हो जाए तो M1 L1 T माइनस का 1, या फिर आपको वेग की विमा पता है कि भी अपने विस्थापन बटे समय लिखते हैं, यानी L1 T माइनस 1 करते हैं, M1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा, M1 L1 T माइनस का 1 आएगा। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, संवेग की विमा जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपने कुछ एक बेसिक विमाएँ थी जो आपको पता होनी जरूरी है। इसके अलावा
आपसे ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवेग की जो बीमा है वो किसके बराबर होती है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो संवेग की बीमा है वो किसके बराबर होती है। अगर आपसे ये बोला जाए कि संवेग की बीमा जो है वो किसके बराबर होती है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो संवेग की बीमा है वो किसके बराबर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो संवेग है, इस संवेग की बीमा जो है वो किसके बराबर होती है, आवेग की बीमा के बराबर होती है, ठीक है। जो संवेग की बीमा है वो किसके बराबर होती है, वो आवेग की बीमा के बराबर होती है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो संवेग की बीमा है वो किसके बराबर है, आवेग की बीमा के बराबर है। देखो आवेग क्या होता है, आवेग के बारे में भी आप लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। आवेग का मतलब होता है यदि बहुत अधिक परिमाण का बल अल्प समय के लिए प्रयुक्त किया जाए, यदि बहुत अधिक परिमाण का बल अल्प समय के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उसे अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने आवेग बोलते हैं। तो बल की जगह आप लोग लिख सकते हो m1 l1 t माइनस का 2 और इन टू टी की पावर 1, ये बना m1 l1 और t की पावर माइनस 1, ठीक है। आवेग आई से लिखते हैं, इम्पल्स बोलते हैं इसे, इम्पल्स, ठीक है। तो ये किसकी बीमा आ गई, ये m1 l1 t माइनस 1 जो आवेग लिखा है उस आवेग की क्या है ये बीमा। यहाँ देखो m1 l1 t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1, तो आवेग की बीमा जो है वो किसके बराबर है, संवेग के बराबर। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आवेग होता है उसकी बीमा किसके बराबर होती है, तो आवेग की बीमा संवेग के बराबर होती है। पीछे हमने बात की थी दाब की, दाब की बीमा किसके बराबर आई थी, अपने आप लोगों ने देखा था कि दाब का सूत्र लिखा था बल बटे क्षेत्रफल, और प्रतिबल का भी क्या लिखा था बल बटे क्षेत्रफल, तो दोनों की बीमा क्या आई थी, बराबर आई थी। तीसरा प्रत्यास्थता गुणांक जो लिखा था उसकी बीमा भी उन दोनों के बराबर थी, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें थी बीमाओं के बारे में। अब तक एग्जाम में प्रश्न जो पूछा गया है ये पूछा गया है संवेग की बीमा जो है वो किसके बराबर होती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किन्हीं बीमा इन राशियों के नाम लिखिए, तो आप लोग विकृति लिख सकते हो, आप लोग और भी राशियां लिख सकते हो, जैसे कोण का सूत्र आप लोग क्या लिखते हो, चाप बटे त्रिज्या लिखते हो, तो कोण एक तरीके की लंबाई होती है, चाप भी एक तरीके की क्या होती है, लंबाई होती है, दोनों की जो बीमाएँ लिखोगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और उसकी बीमा भी आप लोग निकाल सकते हो। कुछ एक बीमाएँ अगर आप लोग निकालना चाहो तो निकाल लेना, जैसे जड़त्व आघूर्ण की अगर निकालना चाहो तो जड़त्व आघूर्ण को भी अपने आई से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं अपने इसे, आई इक्वल एम आर स्क्वेयर इसका फॉर्मूला होता है। जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी बीमा भी आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। घूर्णन त्रिज्या, यहाँ पर यदि के लिख दो तो उसे अपने घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या की बीमा भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये कुछ एक बीमाएँ हैं जो अगर आप लोग निकालना चाहो तो वो निकाल लेना, ठीक है। और हालांकि आपके श्यानता गुणांक वगैरह की भी बीमा चैप्टर के अंदर है, जो आपको आने वाले टाइम के अंदर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अपने वो जो फॉर्मूला लिखेंगे काफ़ी लंबा थोड़ा फॉर्मूला हो जाता है, एफ इक्वल नीटा ए डी वी बेटा डी जेड, ठीक है। और इसी प्रकार जब गुरुत्वीय त्वरण की बीमा आप लोग निकालने लगोगे तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा तो त्वरण के बराबर आ जाती है, पर जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी होता है उसकी बीमा निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसका फॉर्मूला अपने कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, एफ इक्वल जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वेयर। अब यहाँ से आप लोगों को बोला जाए कि G की बीमा निकालिए तो ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है ये, देखो F की बीमा m1 l1 t माइनस का 2, लंबाई कितनी बार काम में आई है, दो बार काम में आई है, l2 द्रव्यमान कितनी बार काम में आया है, दो बार काम में आया है, तो m2 दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे क्या लगा दो, भाग लगा दो, जिससे किसकी बीमा निकल जाएगी, G की बीमा निकल जाएगी। यहाँ आपको क्या करना है, द्रव्यमान एक बार मल्टीप्लाई करना है, त्रिज्या आर जो है दो बार आई है, तो जो एल है उसको दो बार आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे आई की जो है वो बीमा निकल जाएगी। तो बीमा वाला जो चैप्टर है आपका, ये जो आपके एक टेबल बना रखी है उसमें से कुछ एक बीमाओं की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अगर आप लोग करना चाहो तो, वरना शुरुआत की जो 5-10 बीमाएँ हैं उन्हें ढंग से ज़रूर याद कर लेना अच्छे तरीके से, और वो आपको निकालनी भी आनी चाहिए, क्योंकि वो जो बीमाएँ हैं वो बिल्कुल शुरुआत के चैप्टर में आपके काम में आने वाली है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला वगैरह हो गया, ये हो गया, ये तो आपके 6-7 चैप्टर तक आती है, और वो अर्धवार्षिक के बाद में पूछा जाता है चैप्टर, तो आप निकाल करके देख सकते हो, हालांकि मुश्किल भी नहीं है। तो ये कुछ एक बीमाएँ थी। अब अपने बात कर लेते हैं बीमा जो होती है उन बीमाओं के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। बीमा जो है उनके उपयोग क्या है,
एक बात फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये मत सोचना कि बीमाएं तो बहुत सारी होगी, अपने याद कैसे करेंगे, इनको रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। आप प्रत्येक चैप्टर जब पढ़ते जाओगे तो प्रत्येक चैप्टर के अंदर दो तीन जो आपके टेबल बना रखे हैं 40 या 50 की बुक में, उस टेबल से दो तीन बीमाएँ आपकी प्रत्येक चैप्टर के अंदर आने वाली है, ठीक है। और आपको पता है चैप्टर पढ़ने में 10 से 15 दिन लगते हैं, तो उन 15 दिन में आप लोग यदि 2-3 बीमाएँ भी याद कर लोगे तो धीरे धीरे करके वो टेबल अपने आप लोगों के याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको बीमा निकालनी सिखा दी है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग बीमा निकाल सकते हो। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो बीमाएँ होती है इनका उपयोग क्या होता है, बीमा जो होती है इनका उपयोग क्या होता है। बीमा जो है, अपने बीमा पढ़ तो ली, बीमा एक काम में क्या आती है, तो एक तो बीमा जो होती है उसका सबसे पहला जो उपयोग है वो होता है समीकरण की सत्यता की जांच करना है। अपने 3 उपयोग पढ़ेंगे और ये 3 उपयोग पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल ये लगेगा कि बीमा जो चैप्टर है वो आपको आना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीमाओं के बारे में आपको जानना। यदि आपको बीमा आती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे समीकरण की सत्यता की आप लोगों को जांच करनी है। जैसे आपने लिखा वी बराबर यू प्लस एटी, सबको पता है कि ये क्या है, गति की समीकरण है। यहाँ पर जी भी लिख सकते थे, इस जगह स्मॉल जी भी आप लोग लिख सकते हो गुरुत्वीय त्वरण की यदि बात की जाए, ठीक है। तो यदि गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई वस्तु गति कर रही है, ऊपर फेंक रही है नीचे फेंक रही है, तो उसमें यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अपने जी लिख देते। तो वी इक्वल क्या लिखा हुआ है, यू प्लस ए टी लिखा है। अब देखो बीमा की जब अपने बात करते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने सिर्फ ये किसकी तरह काम में लेना है, अपने को वेग की तरह काम में लेते हैं। तो एक आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बीमाओं की समानता का नियम आपको बताया था जब अपने सबसे पहले बीमा के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बीमाओं की समांगता के नियम के बारे में बताया था। तो आपको ये जो बात है बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब भी अपने कोई समीकरण लिखते हैं तो समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा, समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, समान होती है। जब भी अपने किसी की बीमा लिखते हैं तो जो प्रत्येक पद होता है अपना, उस प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बीमा की समानता का नियम अपने को क्या बोलता है कि प्रत्येक पद की बीमा जो है वो क्या होती है, समान होती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वी की बीमा है, जो वी की बीमा है, ये वी की बीमा किसके बराबर आएगी, ये यू की बीमा के बराबर आएगी, ठीक है। और ये किसकी बीमा के बराबर आएगी, ए इंटू टी की बीमा के बराबर आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी समीकरण क्या होगी, गलत होगी। तो बीमाओं की समानता का नियम अपने को बोलता है कि प्रत्येक पद की बीमा क्या रहती है, समान रहती है। यानी जहाँ से प्लस माइनस लग करके समीकरण जो है वो अलग होती है, जैसे यहाँ प्लस लग करके 2 पद बन गए, तो ये जो 2 पद बने हैं इस प्रत्येक पद की बीमा जो है वो क्या रहती है, हमेशा एक समान रहती है। इस बात का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्रत्येक पद की बीमा जो है वो क्या रहती है, एक समान रहती है, ठीक है। जैसे v की बीमा कितनी बार तो अपने पढ़ चुके हैं, L1 और t की पावर -1, ये किसकी बीमा है, वेग की बीमा है। यदि ये वेग की बीमा है तो सीधी सी बात है L1 t माइनस का 1, ये भी अपने पास में क्या है, ये भी अपने पास में वेग है, तो इसकी बीमा भी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ एक तो त्वरण लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है। त्वरण की अगर बात करें तो आपको पता है L1 t माइनस का 2 और गुणा में क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, तो गुणा में क्या कर देना है आपको, समय लिख देना है, ठीक है। T1 अपने लिख दिया इसमें, ठीक, थोड़ा जल्दी देख लो, टाइम कम बचा है। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा L1 और t की पावर माइनस की 1। इन दोनों को जो आपने सोल्व किया तो ये है, इसका मतलब ये जो पद है इसकी बीमा, इस पद की बीमा और इस पद की बीमा, तीनों जो अपने पद लिखे हुए हैं इन तीनों पदों की बीमा जो है वो क्या आ रही है, बिल्कुल एक समान आ रही है, ठीक है। यानी V जो है इसकी बीमा, उसके बाद में U की बीमा और उसके बाद में A इंटू T जो हम लोगों ने लिखा है, इस A इंटू T की जो बीमा है वो क्या आ रही है, बिल्कुल एक समान आ रही है। ये अपनी क्या है, बीमाओं की सत्यता की जाँच करने का तरीका है, ठीक है। बीमाओं की सत्यता की जाँच करनी, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो समीकरण है उसके प्रत्येक पद की बीमा, समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे V की बीमा, जैसे U की बीमा, जैसे A इंटू T की बीमा, तीनों बीमाएँ जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये V की बीमा आ गई, ये U की आ गई, ये A की और T से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो वेग है
और ये जो वेग है ये प्रारंभिक वेग अंतिम वेग अपने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने वेग